सब्सक्राइब कीजिए मेस स्पेशल को और दबाइए इस घंटे को ताकि दैनिक राशिफल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष स्पेशल में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वालों के जीवन में बुरा वर्ष, खराब समय कब आएगा। आपके जीवन में आपका कौन सा ऐसा उम्र रहेगा जिस उम्र में आपको दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखें। तो मेष राशि वालों, आपके जीवन में सबसे पहला बुरा वर्ष था 3 साल। जब आप 3 साल के होंगे तब सबसे पहली बार आपको दिक्कतों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ा होगा। जब आप 3 साल के होंगे तब आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी ये आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन आपके घर वालों को पता होगा, आपके माता पिता को पता होगा। आप कन्फर्म करने के लिए उनसे पूछ सकते हो कि जब आप 3 वर्ष के थे तब आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। दूसरी बार जब आप 11 वर्ष के होंगे तब आपका समय खराब रहा था। 11 वर्ष के आयु में आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा होगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लग रहा होगा, यानी कि आपका 11वां साल भी आपके लिए बेहतर नहीं था। तीसरी बार जब आप 15 साल के थे तो वो वर्ष भी आपके लिए बेहतर नहीं था। चौथी बार जब आप 21 साल के थे तो वो समय भी आपके लिए बेहतर नहीं था। अगला, जब आप 27 साल के हुए होंगे या होंगे तो 27वां वर्ष भी आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। और अब जानते हैं आपके आखिरी वर्ष के बारे में, यानी कि जब आप 45 साल के होंगे या हो चुके हैं तो 45वां साल भी आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। मैं फिर से कह दूं, जब आप 3 साल के होंगे तब, 11 साल के होंगे तब, 15 साल के होंगे तब, 21 साल के होंगे तब, 27 साल के होंगे तब और 45 साल के होंगे तब, आपके जीवन में यह 6 वर्ष आपके लिए बेहतर नहीं रहा होगा। तो मेष राशि वालों, इसे कन्फर्म करने के लिए आप अपने बीते हुए कल में जाएं और उससे इसे आप मैच करके देखें तो आपको बिलीव हो जाएगा कि आपका बीता हुआ कल क्या था और आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वाकई में ऐसा कुछ हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, मेष स्पेशल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।